हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप और अपनी प्रिपेयरिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको मैथ एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 5 पढ़ा रहा हूं, जिस पर मैंने 5.2 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। छठवें क्वेश्चन को आज यहाँ बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आइए अपने छठे क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, कॉस एक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आपको टर्म्स दिया और डी बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई, तो आपको करना क्या होता है, फर्स्ट को उसी तरह इंटू सेकंड का अवकलन और प्लस सेकंड को उसी तरह इंटू में फर्स्ट का अवकलन। तो ये वाला फार्मूला यदि आपको याद है तो इसी प्रकार इसे करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो उस टर्म्स को मैं यहाँ से गायब करता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ेगी, आप अपने पेपर में जरूर लिखें। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट जब इसी फार्मूले को अप्लाई करूंगा तो हो क्या जाएगा, फर्स्ट को उसी तरह, तो मैंने कॉस एक्स क्यूब को उसी तरह लिख दिया, इंटू में सेकेंड का अवकलन, तो मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स, और सेकंड में लिखा हुआ है साइन इज स्क्वायर एक्स की पावर में 5, तो इसका मैंने अवकलन कराने के लिए लिख दिया। फिर प्लस सेकंड को उसी तरह, तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को उसी तरह इंटू में देखेंगे आपकी कॉस एक्स क्यूब का अवकलन, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा डी बाई डी एक्स इंटू में कॉस एक्स क्यूब। अब दोस्तों आप क्या देखेंगे, इसको हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा कॉस एक्स क्यूब, फिर इसके बाद जब आप इसका अवकलन करेंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का, तो आप क्या देखेंगे कि जब भी कभी स्क्वायर लगा हुआ हो, जब भी कभी साइन कॉस में स्क्वायर लगा हुआ हो, तो आपको सबसे पहले जैसे साइन स्क्वायर एक्स का करना है तो वही फार्मूला लगाएंगे, पुराना एक्स की पावर एन एन एक्स इंटू एन माइनस के 1। तो जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे, एक्स को मान लेते हैं पूरा पूरा साइन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2x की पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा 2 sin x। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आपके समझ में आ गया होगा। कैसे यहाँ पे जब रखेंगे तो 2x 2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 2x, और x के स्थान पे हमने x क्या आया हमारा sin x। तो सिंपल से यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे तो ये हो क्या आ जाएगा 2 पहले आ जाएगा, तो 2 इंटू में साइन एक्स की पावर 5, और इसको मैंने फिर से माना है तो इसको मैं फिर से अवकलन करा दूंगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लगाएंगे अपना प्लस वो ये वाला, फिर इसके बाद इसे उसी प्रकार लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, और आप जानते हैं कि कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स का मान क्या है एक्स क्यूब। अब तुमने इसको जबरदस्ती एक्स क्यूब को एक्स मान लिया, इसलिए यहाँ पे इसका क्या करना पड़ेगा, दोबारा डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे मैं 2 को पहले ले आऊंगा, तो 2 हमारा पहले आ जाने वाला है 2 cos x³, और फिर इसके बाद इंटू में साइन एक्स की पावर 5, और जब इसका आप अवकलन करेंगे एक्स की पावर एन से, तो एन का मान क्या रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 5x इंटू में 5 माइनस के 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x की पावर में 4। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं सीधी सी ट्रिक, जब कभी आप इसका इस प्रकार के आपको एक्स की पावर 5 या 6 या 8 9 10 कुछ भी करना हो, मान लो एक्स की पावर 9 का निकालना है आपको, तो आप करेंगे क्या, 9 को पहले ले आएंगे, और 9 से जो पहले आने वाली संख्या है जैसे 8, तो यहाँ पे लिख देंगे। बस इसी प्रकार आपको कर लेना, जैसे कि एक्स पावर 5 का करना था तो 5 को पहले लिख दिया, और 5 के पहले क्या आता है 4, एक पावर में लिख दिया। ये डायरेक्ट ट्रिक है, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट ही लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पे एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 को पहले लिख देते हैं, और एक्स की पावर में 5 से आने वाली संख्या 4। तो बिल्कुल धमाकेदार सेशन होने वाला है, ये क्लास बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, तो देखिए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को उसी प्रकार लिखेंगे, यहाँ ये वाला जो माइनस दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस प्लस माइनस मिलके क्या अगर आ देंगे माइनस, तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, और ये साइन एक्स क्यूब, और फिर इसके बाद इसे एक्स क्यूब का 3 पहले ले आएंगे, और 3 से पहले क्या आती है 2, तो 2 का घात लगा देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हो गया, हमारे अवकलन हो जाएगा। इसके बाद हम इस 5 का इसके साथ 2 के साथ मल्टीपल करा देंगे, तो हो जाएगा 5 × 10, और एक्स की पावर 4 को पहले लिख देंगे, फिर साइन एक्स की पावर 5 को लिख देंगे, और इंटू में कॉस एक्स क्यूब को लिख देंगे, फिर इधर लगाएंगे माइनस,
फिर इसको ये जो दो है तीन है, 3x2 इसको पहले ले आएंगे 3x2 और इंटू में निकाल। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 3x2 इंटू में साइन x³ और इंटू में हो जाएगा sin²x⁵। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो क्लास के अंत तक बने रहा करिए दोस्तों। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 2√ के अंदर काट x²। तो मैंने बताया था कि d/dx रूट एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों, 1/2√x। मैंने अभी पिछली वीडियो में ये बात बताई थी पिछली क्लास पे, तो पिछली क्लास आप जाके देख लीजिए। इसी प्रकार होगा, x², x⁴n वाले फार्मूले में रखेंगे तो डायरेक्ट निकाल पाएंगे। तो यहाँ से मैं चीजें लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये टू हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसके बाद जब मैं इसका हमें d/dx कराना है, मान लेते हैं कि ये √x लिखा हुआ है, तो जब मुझे इसका कराना है तो √x का मैं जानता हूँ होता है 1/2 और √x, रूट में क्या लिखा हुआ है काट x²। अब मुझे इसका कराना पड़ेगा पुनः, क्यों नहीं कि मैंने इसको जबरदस्ती में मान लिया था कि ये लिखा हुआ है काट, क्या लिखा हुआ है काट रूट वो सॉरी काट x² को मैंने मान लिया था कि ये x लिखा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ काट x² का पुनः कराना पड़ेगा। अब आप सेकेंड स्टेप पर आते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/काट x²। फिर इसके बाद जब इसका काट x² का कराएंगे तो काट x का होता है cosec²x, वो भी माइनस का, तो हो जाएगा cosec² x। x की वैल्यू क्या है दोस्तों, x² x की वैल्यू क्या है x² फिर जब इस x² को हमने x माना था तो फिर इसका अवकलन कराएंगे x² का, तो पिछले अगले स्टेप पर आएंगे तो काट x², फिर इसके बाद इस cosec²x² को आप उसी प्रकार लिखे रहेंगे इस स्टेप पर, cosec² इंटू में x². अब मैंने इस प्रकार का अवकलन कराना बताया था, चाहे 100 घात लगी हो, सबसे पहले आपको 100 घात को आगे लिख देना है, फिर 100 में एक घटा देना है और पावर में लिख देना है। तो मैं यहाँ पर 100 नहीं लिखा, चूंकि 2 लिखा है तो 2 पहले लिख देंगे, अब 2 में एक घटाएंगे तो एक एक का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए 2x। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले इस -2x को ऊपर लिख लेना है, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा -2x। अब ये जो cosec²x² है इसको अपान में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/sin² और इंटू में x², क्योंकि cosec²x² था तो cosec जब नीचे आता है तो साइन में बदल जाता है। इसे मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ -2x और अपान में क्या होने वाला है sin²x², फिर इसके बाद इसे आप तोड़ेंगे cos अपान में sin पर, तो यहाँ से हो जाएगा 1/√ के अंदर cos² और अपान में रूट के अंदर sin²। मैंने रूट अलग अलग कर दिया दोस्तों, रूट अलग अलग किया जा सकता है, मैथमेटिक्स का रूल है। तो यहाँ से रूट cos x और रूट sin x मिलकर cot x² बना देंगे, नहीं कि रूट के अंदर। अब इसके बाद हमारा जो अंश में हर में जो बटा था वो पूरा हो गया, तो हमें यहाँ 1 मानना पड़ेगा। तो अब ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना बड़ा आसान क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इतने आसान लंबे लंबे क्वेश्चनों को आसान करके समझा रहा हूँ, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते, कंजूसी मत करो मेरे यार। तो यहाँ पर दोस्त हो क्या जाने वाला है, यहाँ पर मल्टीपल का साइन लगा था तो ये साइन जाएगा ऊपर, क्योंकि ये हो जाएगा 1/1 और ये sin²x 4/2 में हो गया 1/1 इंटू cos² है 1 sin² है। समझ में नहीं आया तो यहाँ से फिर मैं कर देता हूँ, ये वाले -2x को यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद क्या करूंगा, इस cosec² को अपान में ले जाऊंगा तो हो जाएगा साइन और sin² इंटू में x². फिर इसके बाद 1/ यहाँ पे मैं करूंगा cos² अपान में sin². फिर इसके बाद दोस्तों मैं ये भी रूट लगा दूंगा, यहाँ पे मैं जब 1 मान लूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, आप जैसा कि पता चल रहा होगा आपको, तो ये हो जाएगा √sin² अपान में cos². फिर इसके बाद दोस्तों आप क्या देखेंगे, ये अपान में 2x और ये लिखा रहेगा sin² इसको लिख सकते हैं sin इंटू में x² 2 बार लिखा जा सकता है दोस्तों।
अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए, जब आप इस साइन रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना चाहेंगे, तो अगर आप लिख लेते हैं साइन एक्स लिखा है और आपको रूट के अंदर इसे साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, तो बात तो वही है, जब रूट के बाहर ही आएगा तो साइन एक्स ही आएगा। इसी प्रकार इसे मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, समझना जरा गौर से, ये हो क्या जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x आगे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा रूट के कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर इसके बाद ये जो एक बार लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, इसको मैं दो बार रूट में लिख लेता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर और इंटू में रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा क्यों मैंने लिख लिया, मैंने मान लो लिख लिया रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक जो बचा साइन एक्स स्क्वायर, इसको इसी प्रकार लिख देता हूँ साइन इंटू में एक्स स्क्वायर, तो एक बार यहाँ से कैंसिल हो गया। अब क्या देखेंगे आप इसको, आप जैसे कि मैंने तोड़ा था उस प्रकार फिर लिख लेंगे, तो यहां से आप फिर लिख लेंगे तो हो जाएगा माइनस के 2x अपान साइन एक्स स्क्वायर, और इसके बाद ये कास एक्स और ये साइन एक्स, जब ये वाला साइन एक्स पूरे को मैं एक रूट में लिख देता हूं तो हो क्या जाने वाला है दोस्त, साइन एक्स स्क्वायर और ये वाला इंटू में कास एक्स स्क्वायर। मैंने रूट के, रूट को आप अलग अलग भी कर सकते हैं, रूट को आप एक साथ भी लिख सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, टू साइन एक्स इंटू कास एक्स फार्मूला होता है, परंतु ये लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू कास एक्स, तो आप जब इसमें रूट टू का अगर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यहाँ पे मैं रूट टू ऊपर और नीचे रूट टू का अगर मल्टीपल कर देता हूँ तो क्या हो जाता है देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा माइनस के टू रूट टू एक्स, इसके बाद यहां से ये साइन एक्स स्क्वायर उसी प्रकार लिखा रहेगा, फिर ये भी रूट में है ताकि, तो इस रूट को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा टू, ये रूट के अंदर है तो पूरा पूरा रूट के अंदर जब मैं ले जाऊंगा तो रूट टू ही तो लिखा है, परंतु ये भी तो रूट के अंदर है तो इसे भी मैं रूट के अंदर ही लिख देता हूं। यार मुझे कमेंट करके जरूर बताना है ये आपको समझ आया अथवा नहीं। इसके बाद यहां से आप देखेंगे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, अपान में साइन एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद आप रूट के अंदर देखेंगे ये हो क्या जाएगा साइन इंटू में टू एक्स, एक्स का मान क्या है एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों फाइनली जो आपका आंसर है वो यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं आपका आंसर इसी प्रकार यही बुक में दिया हुआ था, इसलिए ये सारा कुछ आपको करना पड़ा, अथवा आप बीच में ही छोड़ देते तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाते।